नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ और मैं आपके साथ जया मिश्रा। सबसे पहले रोहिंग्या मुसलमानों पर विवाद उठा था, म्यांमार में रहने पर उनके सवाल उठने लगे थे और म्यांमार ने ये माना कि रोहिंग्या जो हैं अवैध अप्रवासी हैं, उनका म्यांमार से कोई लेना देना नहीं है, यानी उनकी नागरिकता म्यांमार की नहीं है। अब कुछ ऐसे ही सवाल असम में उठने लगे हैं कि आखिर असम का असल नागरिक कौन है, और इस विवाद पर अब वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका साफ कहना है कि ड्राफ्ट जो तैयार किए जा रहे हैं NRC के तहत, ये पैमाना तय किया जा रहा है कि असम का नागरिक कौन होगा। तो ये साफ है कि अगर NRC में जिन लोगों के नाम आते हैं वो असम के नागरिक होंगे, लेकिन अगर NRC में जिन लोगों के नाम नहीं आते हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और उनकी आखिर नागरिकता क्या होगी, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको हम इससे जुड़े हर पहलू बताएंगे कि आखिर NRC है क्या, इसको नागरिकता सिद्ध करने के लिए ये क्यों ज़रूरी है, और जो लोग NRC में जिन लोगों का नाम नहीं आता है वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इसी तरीके के मुद्दों पर हम आपको सारे आंकड़े बताएंगे। असम के लोगों की नागरिकता अब NRC पर तय की जा रही है और ये नागरिकता उन पैमानों पर रखा गया है जो 1951 की NRC है, यानी कि जिन लोगों के परिजनों के नाम 1951 की NRC या 25 मार्च 1971 से पहले की मतदाता सूची में। इसके अलावा जो असम में रहते हैं अगर उनके नाम NRC में नहीं आते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। असम सरकार ने वैध नागरिकता की पहचान के लिए NRC का जो पहला ड्राफ्ट किया है उसे लेकर विरोध भी शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें 3,29,00,000 लोगों में से केवल 1,09,00,000 लोगों को ही भारत का वैध नागरिक माना गया है। इस तरह से देखा जाए तो असम में NRC के पहले ड्राफ्ट के अनुसार 1,39,00,000 लोग अवैध तरीके से असम में रह रहे हैं। राज्य सरकार अभी और सूची जारी कर रही है और इन सब के बीच असम के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों के नाम NRC के अंतिम सूची में नहीं होगा उन्हें कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर NRC क्या है और किस तरह से नागरिकता सिद्ध करने के लिए जरूरी है। NRC का मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है। NRC में जिसका नाम होगा वो भारत के वैध नागरिक होंगे। NRC देश भर में सबके लिए वैध किया गया, लेकिन किसी भी राज्य ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। असम ही एक ऐसा राज्य सामने आया जिसने NRC को अपने यहाँ लागू करने की सहमति जताई। असम चाय रोजगार के लिए जाना जाता है, ऐसे में अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आते हैं। बांग्लादेश से भी रोजगार के लालच में लोग यहाँ पर आए और वो यहीं पे रहने लगे। 1980 में असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पर विवाद शुरू हुआ। 1985 में यहाँ पर एक समझौता भी हुआ और इस समझौते में ये तय किया गया कि 25 मार्च 1971 तक जो लोग असम में थे उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। वहीं उस तारीख के बाद आए लोगों की पहचान करने का कोई दोष मुक्त प्रयास नहीं हुआ और इसीलिए उस समझौते के बाद भी मसला जारी रहा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने NRC बनाने का निर्देश दिया और इसके लिए पैमाना 1951 की NRC या 25 मार्च 1971 से पहले की मतदाता सूची को रखा गया। हालांकि असम में तय पैमाने पर अब ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच एक मौत का मामला भी सामने आया है। एक व्यक्ति ने इस बात के डर से खुदकुशी कर ली है कि अगर ड्राफ्ट में उसका नाम नहीं आता है तो वो कहाँ का नागरिक होगा, कहाँ जाएगा और उसका भविष्य क्या होगा। भारत के सामने अब जिस तरीके से ये ड्राफ्ट बन रहा है, भारत के सामने इस तरीके के प्रश्न उठने लाजमी है। हालांकि असम के जो लोग हैं उन्होंने ये तो साफ कर दिया है कि बांग्लादेशी जो हैं वो घुसपैठिए हैं और उनका बोझ अकेले असम क्यों उठाएगा। ऐसे में अब ये सवाल भी है कि अगर क्या जो लोग अवैध अप्रवासी घोषित हो रहे हैं, क्या बांग्लादेश उन्हें लेने के लिए आसानी से राजी हो जाएगा, क्या बांग्लादेश में वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि रोहिंग्या का जो भार है वो पहले से ही भारत झेल रहा है और ऐसे में अगर असम में भी इस तरीके के जो विवाद उठ रहे हैं इसके बाद भारत का अगला कदम क्या होगा, भारत सरकार जो है वो क्या करने वाली है, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। इसी तरीके की अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्टोरी हाउ। नमस्कार।